हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। मेरे चैनल का नाम है जनरल अफेयर्स, मैं हूं शुभम शर्मा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको जनरली जीएस जीके में इंटरेस्ट है, तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है केआर गौरी, आर्किटेक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन केरला, डाइस एज्ड 182। यार फोटो में देख सकते हैं केआर गौरी हैं, सीपीआईएम की बहुत ही पुरानी लीडर हैं और इनका रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। ये 102 ईयर्स की थी। इन्हीं के बारे में आज हम जानकारी करेंगे और जानेंगे कि इनका जो करियर रहा पॉलिटिक्स का वो कैसा रहा और इन्होंने क्या क्या काम किए केरला में। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कौन सी स्टेट इंडिया की जो कम्युनिस्ट रूल्ड है इकलौती स्टेट है पूरे इंडिया में इस वक्त। मुझे ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर दूंगा। ये आप इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख सकते हैं कि आर गौरी स्टेट केरलास लैंड रिफॉर्म्स रिमेन ड्यूरेबल ऑल हर लाइफ, डाइस एज 102। ये आप उनके बारे में देख सकते हैं, ऐसा कि हेडिंग बता रही है आपको कि वो लैंड रिफॉर्म्स की बहुत बड़ी एक स्क्रिप्टर थी और बहुत ही बड़ी लीडर थी केरला में पॉलिटिक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूज जैसे कि मैंने आपको बताई, तिरुवनंतपुरम में एक हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई एज रिलेटेड एलिमेंट से, 102 साल की थी वो। केआर गौरी जो थी उन्होंने एक समिति बनाई थी जिसका नाम था जनाधिपत्य समरक्षणम समिति और इसकी पोस्ट उन्होंने 1994 में फॉर्मेशन के साथ ही संभाली थी। इसके बारे में हम लोग आगे और जानकारी करेंगे। उनका जन्म चेरथाला अलापुजा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। वो ट्रेड यूनियन और पीजेंट मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती रहती थी और इसी की वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं उनकी, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कुछ एमिनेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज है, उन्होंने उनकी डेथ से रिलेटेड रिसेंटली ट्वीट किए हैं। आप वीडियो पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। चलिए उनकी अर्ली लाइफ के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म हुआ था पटनाकड विलेज में चेरथाला और ये है अलापुजा डिस्ट्रिक्ट में केरला में। वो अपने माता पिता की सातवीं बेटी थी और उनके माता पिता का नाम हम पढ़ सकते हैं और वो एक एरिस्टोक्रेटिक इजावा फैमिली से बिलोंग करती थी। इजावा फैमिली या इजावा कम्युनिटी जो है वो थोड़ी बैकवर्ड हिंदू कम्युनिटी मानी जाती है केरला में। इसी वजह से उनके फादर ये चाहते थे कि उनकी बेटी को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले और इसी वजह से उन्होंने अपना स्कूल जो था वो थिरावूर और चेरथाला में कंप्लीट किया और उन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन जो प्राप्त की महाराजास कॉलेज और सेंट टेरेसास कॉलेज जो दोनों ही एर्नाकुलम में थे उससे प्राप्त की। उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री भी प्राप्त करी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से जो तिरुवनंतपुरम में था। उनकी फैमिली एक अच्छी बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी और उनकी फैमिली ने 132 एकर्स ऑफ लैंड केरला गवर्नमेंट को भी दी थी। ये आप उनके शादी की फोटो देख सकते हैं। उनके पति जिनका नाम टीवी थॉमस था वो भी एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट पार्टी लीडर थे और उन्होंने अपने टेन्योर के दौरान कई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को संभाला था और वो पॉलिटिक्स में बहुत ही ज्यादा एक्टिव भी थे। चलिए उनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। केआर गौरी अम्मा जो थी वो ट्रावनकोर कोचेज लेजिस्लेटिव असेंबली से 1952 और 1954 में चुनी गई थी। 1957 में इलेक्ट हुई थी केरला लेजिस्लेटिव असेंबली से और उसके बाद लगातार उनका जो रेन था वो चलता चला आया था। उन्होंने 1960s में 1967, 1970, 1982, 1987, 1991 और 2001 में कई ऐसी मिनिस्ट्रियल पोस्ट्स और प्रोजेक्ट्स निभाए थे और वो कई मिनिस्ट्रीज के अंडर काम कर चुकी थी। गौरी अम्मा केरला रक्षा संगम से भी काम करनी थी और इन्वॉल्व थी 1960 से 1984 तक। वो केरला महिला संगम की भी लीडर रह चुकी थी 1967 से 1976 तक। वो केरला की पॉलिटिक्स में वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग पॉलिटिशियंस भी थी और उनके इन्फ्लुएंस और या आप कह सकते हैं उनके जो मोटिवेशंस था वो सबसे ज़्यादा उनके बड़े भाई के आर सुकुमारन और उनके फादर का था। के आर सुकुमारन जो थे वो भी उस टाइम बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व थे केरला की पॉलिटिक्स में और इसी वजह से उनका ध्यान और रुझान इस तरफ बहुत ज़्यादा आया। अब लैंड रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं जो उनके द्वारा लाए गए थे केरला में। लैंड रिफॉर्म्स इन केरला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माने गए थे उस टाइम के दौर में जब वहाँ पे लैंडलॉर्ड्स और जो बड़े बड़े कब्जा करे हुए लोग थे, जो पावरफुल लोग थे, उनके द्वारा जो ऑप्रेस किए जा रहे थे लैंडलेस लोग, उनके द्वारा ये जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय मानी गई थी और इसी को मद्देनजर रखते हुए गौरी अम्मा ने ये लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे केरला में। ये सबसे पहली जो चीज़ कम्युनिस्ट मिनिस्ट्री ने की वो ये की
कि उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाया जिसमें ये बैन कर दिया गया जो टेनेंट्स हैं और कुडी किडा पुक्कुर हैं उनके द्वारा जो लैंड एस्टेट में वो जब्त नहीं करी जाएगी। कुडी किडा पुक्कुर क्या होते हैं मैं आपको बता दूँ, ये ऐसे लोग हैं जिनके पास ना अपनी कोई लैंड थी कहने के लिए, और ये तो छोड़ ही दीजिए लैंड तो थी ही नहीं, और उसके बाद इन लोग पर ऐसे ऑपरेशन किए जाते थे जिसकी वजह से ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कभी अपनी लैंड ओन कर सकते हैं। इन्हीं लोग को देखते हुए एक अग्रेरियन रिलेशन बिल लाया गया था जो कि मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू यानी कियर गौरी जी थी उनके द्वारा लाया गया था, और इसमें जो लैंडलेस लोग थे उनको ये राइट दिया गया था कि वो ओनरशिप राइट्स ले सकें और शेयर क्रॉपर्स और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड को ओन कर सकें। शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं, ऐसे दो तीन लोग एक साथ अगर मिल के भी खेती करना चाहें, एक ही खेत पर कई सारे लोग फील्ड पर अपने क्रॉप्स उगाना चाहें तो उन्हें शेयर क्रॉपर्स कहा जाता है। इसी साइज इस बिल में कई ऐसे प्रोविजंस भी थे जो स्ट्रॉन्ग लैंडलॉर्ड्स जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनकी जो सरप्लस जमीन थी उसको लैंडलेस पुअर में बांटने के भी प्रावधान किए गए थे जो कि एक बहुत अच्छा विचार था। लेकिन उसके बाद इनकी गवर्नमेंट चली जाती है, जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है उसका 1960-1964 जो टेन्योर रहता है वो UDF UFG यानी यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट आती है जो कि एंटी कम्युनिस्ट मानी जाती है। उन्होंने लैंड रिफॉर्म बिल को कैंसिल करते हुए इसमें जो कई ऐसे कंसेशन थे वो दोबारा से लैंडलॉर्ड्स को दिए, जिसकी वजह से लैंडलॉर्ड फिर से बहुत ही ताकतवर हो गए और पीजेंट्स के लिए जो अग्रेरियन रिलेशन बिल था उसके बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे थे। तो इसके बाद कियार गौरी अम्मा और केरला की पब्लिक को 10 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी फिर से पावर में आई और उसने लैंड रिफॉर्म बिल को फिर से लाते हुए लैंडलॉर्डिज्म अबॉलिश कर दिया और फिर से जो लोग थे जिनको लैंड की जरूरत थी उनको फिर से ही लैंड वापस कर दी गई। आप फोटो देख सकते हैं कियार गौरी अम्मा की, बहुत ही एजेड थी जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही लंबे समय से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थी और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करती। अब ये जान लेते हैं उनके द्वारा जो कुछ पोजीशंस थी जो हेल्ड करी गई थी वो कई ऐसे सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स में साथ भी थी और उनके द्वारा ही चलाई भी गई तो उनकी पार्ट भी रही थी। उनमें से कुछ हम देख लेते हैं। वो प्रेसिडेंट रही केरला कलरक्षका संगम की 1960 से 1984 तक, वो प्रेसिडेंट थी केरला महिला संगम की 1967 से 1976 तक, वो सेक्रेटरी भी रही केरला महिला संगम की 1976 से 1987 तक, वो सेक्रेटेरिएट मेंबर रही CPI स्टेट कमेटी की, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया जनाधिपतिया संरक्षणा समिति JSS का 1994 में, और उसके बाद वो जनरल सेक्रेटरी रही JSS की। वो JSS फॉर्म करने के बाद उन्होंने UDF ज्वाइन कर लिया था और AK एंटनी और ओमरन चैंडी कैबिनेट में उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होल्ड भी की थी। ये आप उनकी फोटो देख सकते हैं। अब उनकी एक जो मेजर वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है वो टेक्नो पार्क की बर्थ मानी जाती है, जो आज के दौर में इंडिया का सबसे बड़ा IT पार्क है जिसमें अराउंड 400 फर्म्स काम कर रही हैं और 50,000 प्लस प्रोफेशनल्स उसमें काम कर रहे हैं। ये जो आइडिया था पार्क का ये तिरुवनंतपुरम में अर्ली 1990s में EK नायनर जो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम के और गौरी अम्मा इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थी उनके कार्यकाल में आया था। ये टेक्नो पार्क गवर्निंग काउंसिलिंग जो सबसे पहले बींग में आई थी उसकी चेयरपर्सन GK गौरी अम्मा को चुना गया था और जो फाउंडिंग स्टोन था वो भी उन्हीं ने रखा था। और इसी के साथ ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल के जब तैयार हुआ तो ये इसमें दो तीन कंटिन्यूस रेजिम्स लगे थे इसको पूरा बनने में, और इसके बनने के बाद IT सेक्टर बहुत ही ज़्यादा बूम करा था केरला में स्पेशली। उनके डेथ के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया वो 102 साल की थी और रिसेंटली 2019 में उनकी बर्थ एनिवर्सरी बहुत अच्छे से मनाई गई थी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा केरला में। कियार गौरी अम्मा 102 साल की थी और अभी कुछ ही हफ्तों में 103 साल की होने वाली थी। इसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया उनकी डेथ जो हुई वो एज रिलेटेड इलनेस की वजह से हुई, और वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग कम्युनिस्ट लीडर थी केरला की 1950s से। यहाँ पे फोटो देख सकते हैं प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर केरला के हैं पिनराई विजयन, वो अपनी भावना व्यक्त करते हुए। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। मैं अपने क्वेश्चन का आंसर आपको देना चाहूँगा, जो अभी एक लौता स्टेट है जो कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा रूल्ड है वो है केरला। अगर आपने मैप में देखा होगा और से तो आप पहले ही उसका आंसर जान गए होंगे। मुझे ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम हमारा ज़रूर ज्वाइन करें हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले जानने के लिए। चैनल का नाम है जनरल अफेयर्स, मैं हूँ शुभम शर्मा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।